बिकॉज मेरा तो हो चुका है जो भी रैंक पुश करना था। बहुत बुरा लग रहा है ऐसे मारने में। ठीक है और पता नहीं कितना टाइम लगाएगा। फाइनली तो यार आ चुके हैं वापस। अब यार मैंने यहाँ पे एक नई चीज़ सोची है। अब देखो मैं तो कॉन्करर पहुँच चुका हूँ, ठीक है, और अब सोलो भी मैं खेलता हूँ, तो सोलो में जब भी मैं जीतूँगा कोई भी मैच, तो मैं जो है अपना चिकन डिनर जो है नहीं लूँगा, मतलब जो भी लास्ट में ओपोनेंट बचा रहेगा अपना चिकन डिनर जो है मैं उसको दे दूँगा, ठीक है। तो फिलहाल इस मैच में भी कुछ ऐसा ही होता है। पहले पहले जो है मैं सबको जो भी मेरे को दिखेगा उसको मार दूंगा मैं, एंड लास्ट में अगर वो ओपोनेंट के साथ मैं बात कर पाता हूँ तो मैं जो है अपना चिकन डिनर जो है उस बंदे को दे दिया करूँगा आज से हर मैच के बाद सोलो के अंदर, ठीक है। तो आप मेरे को बताना ये कंसेप्ट कैसा है। खैर ये बंदा तो मतलब एकदम बेबस हो गया था, ना तो ये भाग सकता था ना इसके पास कोई गन थी। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो अब करने का इसका रीज़न ये है कि देखो बहुत सारे लोग जो है पुश कर रहे हैं ऑलरेडी, और मेरा पिंग देख सकते हो आप बहुत ख़राब है। खैर बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ पे सिचुएशन जो है बंदा यहाँ पे कुछ बोल रहा है। मैं नीचे हूँ, मारना मत, मारना मत भाई। ऊपर एक बंदा है, मैं नहीं मारूंगा। ऊपर एक रियल बंदा है, मैं ही बोल रहा था आपसे, आपसे थोड़ा बात करनी है आपके साथ। अब यार इस बंदे ने बताया कि ऊपर एक बंदा है, और उस बंदे को मारने की मैंने बहुत कोशिश करी नीचे से लेकिन नहीं हो पाया, तो फाइनली यार मेरे को भी ऊपर आना पड़ा। लेकिन वो बंदा जो है कूद के सामने वाली बिल्डिंग की जो वो ब्रोकन वॉल है उसके पीछे लेट गया। रुको रुको रुको, मुझे पहले तुम्हें देखने दो थोड़ा ध्यान से। हर रोज तो तुम थोड़ी ना मेरे मैच में आओगे। अरे कोई मार, रुक जा रुक जा, एक्सपीरियंस और लेने दो। रुक जाओ, खड़े हो जाओ। तो यार पोज वोज दे दिया हमने, सेल्फियाँ भी खिंचा ली हैं, और नाम पूछ लेते हैं। मैं दूसरे नंबर पे था, अब तुम आरपी पे। मेरा नाम तनोय है, तनोय। ओके तनोय भाई। तो यार ये भाई भी पहला गया, तो जब भी आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है यार व्यू ही ब्लॉक कर दो, उसका भी व्यू ब्लॉक आपका भी व्यू ब्लॉक बराबर। ऑलमोस्ट जो है आइडिया काम कर गया था यहाँ पे, लेकिन पूरा नहीं उसको मैं ले सका। ओके ये भाई भी ख़त्म। तो हर जब भी आप पे कोई टीपी भी ले रहा हो और आपको उसको मारना है ना अर्जेंट, लेकिन वो टीपी भी नहीं छोड़ रहा, तो आप उसका भी जो है टीपी भी ब्लॉक कर दो स्मोक फेंक फेंक के। खैर अब आप सोच रहे होंगे कि अब यार बात कर रहे थे चिकन डिनर वाली बात पे, तो यार देखो बहुत सारे लोग और भी पुश कर रहे हैं, और मेरा तो कॉन्करर हो चुका है, तो मैं तो पूरा फन के लिए खेलूँगा, ठीक है। ऐसे में आखिर में जो भी बंदा बचेगा तो उसको जो है चिकन डिनर में दे दूँगा, क्योंकि कॉन्करर वाली लॉबी में यार सभी लोग ऑलमोस्ट जो है आपको वही मिलेंगे जो कि रैंक पुश कर रहे हैं। अब फिर मौली तो सही जगह गिरी थी, लेकिन वो बंदा बार बार बच गया साइड पे आके।
लेकिन इस तरफ से उसको हेड मेरे को हल्का सा दिख रहा था, और मैंने पूरी जो है बैरल ही खाली कर दी। और एक्चुअली उसके बाद मेरे को पता लगा यार इस बंदे ने फ्लेयर चलाई थी यहाँ पे। ये बंदा पक्का जो है उधर से अब नेट मारेगा मेरे पे, तो जल्दी से लूट के भाग लेते हैं यहाँ से। देखो नेट आया, मतलब आपको सुनाई नहीं दिया होगा यहाँ पे ग्लिच होता है आईपैड में। ऑलमोस्ट खा गया था वो मेरे को। खैर यहाँ पे भी एक बंदा है, मैंने थोड़ा सा पिन खींच के उसको पीछे की तरफ धकेला तो, लेकिन वो बंदा उल्टा मेरे पे अटैक कर देता है। और ग्रोजा के सामने डीपी बहुत नाइंसाफी है। फिलहाल यहाँ पे पता नहीं क्या होता है यार, मेरे स्कोप जो है स्विच हो जाते हैं, मतलब जो 6x AWM पे लगा रखा होता है वो ग्रोजा पे लग जाता है। अब लगा सही जगह पे स्कोप। अबे शुरुआत में जो मेरे को एक पोचिंग की में बंदा मिला था वो तो आपको याद ही होगा, तो उसका जो है वो फिर से मेरे को यहाँ पे मिल जाता है मैच के अंदर आगे जाके। यहाँ पे फिलहाल आप मेरा पिंग देख सकते हो, भले ही वो तुमको 32-64 दिख रहा हो लेकिन पिंग जो एक्चुअली में बहुत खराब रहता है। अब यार यहाँ पे मैंने एकदम एंगल तो बहुत बढ़िया बनाया था, बिल्कुल डैमेज तो होना था उसको, लेकिन यहाँ पे मेरा पिंग जो है ऑलमोस्ट मेरे को मरवा देता है। अब जरा इस क्लिप को थोड़ा और स्लो मोशन में देखना, ये बंदा जो कितना ज़्यादा टेलीपोर्ट हो रहा था। एक्चुअली ये नहीं हो रहा था, एक्चुअली मेरा पिंग खराब था। कह रहा है उसके बाद यहाँ पे दो बंदे होते हैं, एक अंदर और एक इस पे रश करने आया होता है, और मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट फ़ायदा उठाने की फिराक में होता हूँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये वही बंदा जो वो चिंकी में मिला था मेरे को, और ये अभी तक भी जिंदा है। खैर ये बंदा जो है मेरे को अपनी वेस्ट देता है, मेरे को आगे फाइट करनी रहती है, तो वेस्ट ही देखो सडनली चेंज हो गई है। अब जो वो वाली गाड़ी को मैंने डैमेज किया था वो रुक जाती है सामने वाले घरों में। मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मैं रश तो करूँगा, लेकिन उससे पहले मेरे को यहीं पे बंदा दिख जाता है। खैर
खैर जो गाड़ी वाला था वो शायद इन तीनों घरों में से किसी एक घर में है। यहाँ पे अगेन मैं थोड़ा सा टेलीपोर्ट हुआ था। अब यार यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो देखते हैं वो बंदा जिंदा है कि नहीं, और जिंदा है अभी भी। मतलब किस्मत देखो यार, मतलब उसी के घर पे जोन बना हुआ है पूरा का पूरा। बंदे बंदे ब्रोकन वॉल के पीछे। अब यार इसने मेरे को बताया कि ब्रोकन वॉल के पीछे कब से एक बंदा है। तो भेज दे उसको भी। खैर अब बचे हैं सिर्फ तीन बंदे, और आगे जाके जो आखिरी बंदा बचा होता है हम दोनों को छोड़ के उसकी लोकेशन भी पता लग जाती है। अब पहले मैं जो है इसको भी नहीं मार रहा होता हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि ये बंदा भी टीम अप करे, मतलब हम तीनों ही बचे थे, लेकिन वो बंदा नहीं मानता। और फाइनली यार इसको मारना पड़ता है। खैर अभी क्योंकि मैं तो कॉन्करर जो है पहुंच चुका हूँ तो मेरा यहाँ पे जीतने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैं इसको जो है अपना चिकन डिनर दे देता हूँ। एंड अभी से मैं कोई भी चिकन डिनर नहीं लूँगा सोलो के अंदर, बिकॉज मेरा तो हो चुका है जो भी रैंक पुश करना था। पता नहीं कितना टाइम लगाएगा फाइनली।